हेलो गाइस, आज हम सूजी का पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। इसमें मैं बेस के लिए सूजी यूज़ करूँगी। सूजी का बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी मीडियम साइज़ की सूजी ले लेंगे। इस सूजी में पिंच भर नमक लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें दरदरापन नहीं रहना चाहिए। ऑयल मिलाने के बाद इसको अच्छे से मैश कर लेना है। इसके बाद आपके पास दही हो तो दही आधा कप, और नहीं तो फिर छाछ का यूज़ कर सकते हैं। मैं छाछ का यूज़ कर रही हूँ इसमें। और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। इसका फ्लो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत रनी होना चाहिए। अभी इसमें मैं एक इनो का सैशे डालूंगी। आप इनो की जगह 1/2 टेबल स्पून खाने का सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। इनो एक्टिवेट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें छाछ डालूंगी, इसको फेंट लेंगे अच्छे से। अगर आप दही यूज कर रहे हैं छाछ की जगह, तो इनो को एक्टिवेट करने के लिए या बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए उसमें आप थोड़ा सा पानी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके का घोल होना चाहिए एग्जैक्टली, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। अब हम इसका बेस बनाने की रेडी करते हैं। तो इनो को एक्टिवेट करने के लिए या बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए उसमें आप थोड़ा सा पानी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके का घोल होना चाहिए एग्जैक्टली, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। अब हम इसका बेस बनाने की रेडी करते हैं। मैं ये पिज्ज़ा गैस पे बनाने जा रही हूँ, इसके लिए मैंने ये एक पैन लिया है। इस पैन में मैं 1 टेबल स्पून ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लूँगी। तरीके से ग्रीस करने के बाद जो हमने बैटर बनाया है वो बैटर हम इसमें डाल देंगे। इसको पूरा फ्लैट कर देंगे। अब इसे हम लो मीडियम की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट हो गए हैं, हम इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा फ्लफीनेस आई है इसमें। अब इसको हम दूसरी साइड की ओर पलटेंगे। इसके लिए हम इस साइड पे भी थोड़ा सा
ग्रीसिंग कर देंगे। देखिए कॉर्नर्स पे ब्राउन ब्राउन सा आ रहा है, इसका मतलब ये पक गया है। अब इसको हम धीरे से निकालेंगे। ये देखिए, और इसको हम पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब इस स्टेज पे ही हम इसकी ड्रेसिंग कर लेंगे पिज्ज़ा की। इसकी ड्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले आप चाहिए तो गैस को सिम पे कर दीजिए, और या फिर आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। मैं इसको ऑफ़ कर रही हूँ फ़िलहाल। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैंने पिज़्ज़ा के बेस के लिए सॉस बनाई है टमाटो केचप से, और मेयोनीज़ को मिला के। आप इसकी जगह पे सेजवान सॉस यूज़ कर सकते हैं, या पिज़्ज़ा बेस सॉस मिलती है मार्केट में, उसका यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स में मैंने ये पनीर क्यूब्स लिए हैं, कैप्सिकम लिया है, अनियन लिया है, टमाटोज लिए हैं, और थोड़े से स्वीट कॉर्न्स लिए हैं। ये मैंने चीज़ ग्रेट करके रखी हुई थी। अब इसकी हम टॉपिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमने सॉस बनाई है, इसको हम बेस पे लगा लेंगे अच्छे से, स्प्रेड करेंगे। अब ये सॉस हो गई, इसके बाद हम इस पे थोड़ा सा पहले बेस पे चीज स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। सबसे पहले मैं ये पनीर क्यूब्स रख रही हूँ। उसके बाद कुछ कैप्सिकम, टमेटोज, और स्वीट कॉर्न। आप अपने मनपसंद का कोई भी इंग्रेडिएंट, जैसे कि मशरूम हो गया, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट बॉल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। ये हो गया हमारा। अब इसके ऊपर मैं ये जो मैंने चीज़ ग्रेट किया था, ये चीज़ मैं स्प्रेड कर दूंगी। खूब सारा चीज़। और सबसे लास्ट में इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऊपर से, ओरिगैनो
या पिज्जा सीजनिंग। और आधी चम्मच चिली फ्लेक्स। और लास्ट में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। बस अब इसके साथ मैं गैस को फिर से ऑन कर रही हूँ। एग्जैक्टली लो मीडियम रखना है इसको और अगेन इसको ढक देना है 3 मिनट के लिए। हमारा चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, दैट इंडिकेट्स कि हमें सिर्फ 1 मिनट और लगेगा। गाइज हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। लग रहा है ना एकदम दुकान जैसा पिज्जा। वाओ ये देखिए हमारा पिज्जा कितना यम्मी लग रहा है। वाओ आई कांट रेजिस्ट। अब इसे हम काटेंगे पीसेस में। इसे देखिए हम कट कर रहे हैं 4 पीसेस में। आप 6 या जितने भी पीसेस आप चाहते हो वैसे कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा चीज़ ही बना है। वाओ तो ट्राई करिए ये रेसिपी सूजी पिज्ज़ा की और बताइए, कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। थैंक यू देखने के लिए। प्लीज़ ट्राई करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।